आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट का टाइप 3 इफ लैडर स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं और उन डिफरेंट कंडीशंस के लिए एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है जो एग्जीक्यूट करता है। इनका यूज़ हम बड़े बड़े प्रोग्राम में करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो इसी के साथ हम इसका सिंटैक्स भी देखेंगे और फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है इसका फ्लो चार्ट भी आपको ड्रॉ करके समझाएंगे, जिससे पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट क्या होता है। तो चलिए इसका थ्योरी मैं लिख देता हूँ। इट इज़ यूज टू परफॉर्म्ड मल्टीपल केसेस फॉर डिफरेंट कंडीशंस। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं और इन डिफरेंट कंडीशंस के लिए एक सेपरेट स्टेटमेंट हम लिखते हैं और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो इसके ऊपर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होता है इसमें भी, ट्रू और फॉल्स का। इन दिस स्टेटमेंट देयर इज वन इफ कंडीशन एंड मल्टीपल एल्स ब्लॉक, मतलब बहुत सारे एल्स इफ का कंडीशन होगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे मल्टीपल एल्स इफ कंडीशंस। और लास्ट में क्या होगा, एंड वन एल्स ब्लॉक। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास बहुत सारे इफ कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले हमारा इफ कंडीशन होगा, उसके बाद एल्स इफ हमारे पास आएगा। एल्स इफ का ब्लॉक हमारे पास मिडिल में होगा, जितने भी बीच में कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वो एल्स इफ ब्लॉक का कंडीशन होगा। और ये एल्स इफ ख़त्म होने के बाद, जब ये एल्स इफ का पूरा कंडीशन ख़त्म हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास एक एल्स ब्लॉक होगा, जैसे हमारे पास इफ एल्स में एल्स ब्लॉक होता है। चलिए इसका सिंटैक्स आपको बना के ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। सिंटैक्स के लिए हम सबसे पहले इफ लिखेंगे। इफ एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कंडीशन होगा, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। उसके बाद इसकी बॉडी होगी, इस बॉडी के अंदर स्टेटमेंट होगा। जो भी इफ ब्लॉक में स्टेटमेंट कंडीशन होने के बाद ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमारे पास एल्स इफ का ब्लॉक होगा और इसका भी कंडीशन होगा हमारे पास, ये अलग कंडीशन होगा। अगर हमारा इफ वाला फॉल्स हो जाएगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा। तो कंडीशन टू मैं लिख देता हूँ, उसे कंडीशन वन। तो इसका भी एक बॉडी होगा और इसके अंदर भी स्टेटमेंट लिखा होगा, ये स्टेटमेंट नंबर टू होगा जो कि कंडीशन टू के लिए होगा। उसके बाद हमारे पास जितने भी मिडिल में स्टेटमेंट होंगे वो एल्स इफ का ही होगा। तो यहाँ पर हम फिर से एल्स इफ में कंडीशन देंगे, कंडीशन नंबर थ्री, और इसका भी बॉडी ओपन होगा ओपन कर्ली ब्रेसेस से, और इसके अंदर स्टेटमेंट होगा और बॉडी हम क्लोज कर देंगे। और लास्ट में क्या होगा हमारे पास, जब हम सारे कंडीशंस को चेक कर लेंगे तो लास्ट में हम एक एल्स ब्लॉक बना देंगे जो कि बाय डिफॉल्ट सारे कंडीशंस फॉल्स होने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो कंडीशन फॉल्स होने के बाद चलेगा। तो यहाँ पर हमने आपको थ्योरी में बताया कि वन इफ कंडीशन, तो आप सिंटैक्स में देख सकते हैं एक इफ कंडीशन है सिर्फ हमारे पास, उसके बाद मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन। आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन है, जहाँ पे हमने दो लिख के दिखाया। आप यहाँ पे बहुत सारे एल्स इफ का ब्लॉक बना के कंडीशन दे सकते हैं, एन नंबर ऑफ, और लास्ट में वन एल्स ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं लास्ट में हमारे पास एक एल्स ब्लॉक है, ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब हमारा इफ कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन ये सब फॉल्स हो जाएगा, तब ये अपने आप एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए अब इसी सिंटैक्स और थ्योरी का अकॉर्डिंग हम अपना फ्लो चार्ट ड्रॉ करके आपको समझाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे कर रहा। फ्लो चार्ट के लिए हम सिंबल्स और नोटेशंस का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सर्कल का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एरो का यूज़ करेंगे। ये फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिनोट करता है कि प्रोग्राम का फ्लो किस डायरेक्शन में है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होंगे, तो हम यहाँ पे कंडीशन वन दे देते हैं।
इसे हम डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कंडीशन को। कंडीशन वन के बाद कंडीशन टू थ्री आते जाएगा, तो इस यहाँ पे दो कंडीशन होगा, ट्रू और फॉल्स। अगर हमारा फॉल्स होता है तो कंडीशन टू में हम जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन टू। और यहाँ पे भी दो कंडीशन होगा हमारे पास, ट्रू या फिर फॉल्स का। तो अगर फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम जाएंगे कंडीशन थ्री के लिए, यहाँ पे मैं कंडीशन थ्री लिखता हूँ। इसमें भी दो कंडीशन होगा, ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो लास्ट में हमारे पास एल्स ब्लॉक होगा, उसमें हमारे पास कंडीशन नहीं होगा, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये हमारा एल्स ब्लॉक रहेगा यहाँ पे, तो इसे हम रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं। तो अब स्टार्टिंग कंडीशन वन से हम आपको दिखाते हैं कैसे ये काम कर रहा। सबसे पहले कंडीशन वन अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन चलेगा, जो कंडीशन वन में हमने स्टेटमेंट दे रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट वन लिखेंगे, और ये स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम हमारा यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट वन है ये इफ कंडीशन का स्टेटमेंट है, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने सिंटैक्स में लिखा था। ये एग्जीक्यूट हुआ तो प्रोग्राम डायरेक्ट एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम कंडीशन टू के लिए आएंगे, यानी एल्स इफ ब्लॉक में। अब हम एल्स इफ में आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट टू होगा एल्स इफ में, एल्स इफ का स्टेटमेंट होगा, वहाँ पे इफ का स्टेटमेंट था। तो ये एग्जीक्यूट करेगा ट्रू होने पे, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, ये एग्जीक्यूट करेगा। और अगर एग्जीक्यूट किया उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। और अगर यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स इफ के सेकेंड पार्ट में जाएंगे, यानी एल्स इफ स्टेटमेंट थ्री में जाएंगे, कंडीशन ट्रू होगा तब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट थ्री। ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम यहीं से एंड हो जाएगा, टर्मिनेट। और अगर इसका भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा जिसमें स्टेटमेंट लिखा होगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद भी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट था एल्स इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट का। अब हम आपको इसका एक प्रोग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे, जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का सैलरी फाइंड करेंगे कि अगर उसका सैलरी यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो उसे इतना टैक्स लगेगा, नहीं तो कुछ और टैक्स लगेगा। तो चलिए हम इनकम टैक्स का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज़ करके किसी भी सैलराइज्ड पर्सन का जो सैलरी है उसके सैलरी के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी टैक्स कैलकुलेशन का हम प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो प्रोग्राम के लिए हमने दो हेडर फाइल को इंक्लूड करा अपने प्रोग्राम में, स्टूडियो डॉट एच एंड कुनायो डॉट एच, क्योंकि इनका जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनका हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में इसीलिए। देन हमने वॉइड मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक सैलरी नाम का इंटीजर वेरिएबल मैं ले लेता हूँ सेल, और टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जो टैक्स हमारा आएगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकता है, इसीलिए टैक्स वाले वेरिएबल को हम फ्लोट कंसिडर करें। देन हम क्या करेंगे, CLRSER यूज़ कर देता हूँ कंसोल क्लियर के लिए। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल का। इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र को एक मैसेज देंगे रन टाइम में इंटर सैलरी, जिससे क्या होगा, यूज़र समझ जाएगा कि अब मुझे सैलरी इनपुट करना है। तो जो भी सैलरी यूज़र इनपुट करेगा वो स्कैनफ फंक्शन के वेरिएबल में करेगा। तो सेल वाले वेरिएबल को हम फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करके स्कैनफ फंक्शन से रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्परसेंट सेल से सैलरी वाले वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स इफ लेडर का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले उस सिंटैक्स को मैं लिख देता हूँ, इफ उसका ब्लॉक, उसके बाद एल्स इफ, एल्स इफ का भी एक ब्लॉक होगा, एक और मैं एल्स इफ यूज़ कर देता हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एल्स इफ का यूज़ किया, और लास्ट में हमारा एल्स ब्लॉक होगा। एल्स ब्लॉक ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब सारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा इफ़ कंडीशन है वहाँ पे हम इफ़ में कंडीशन सेट करेंगे। तो कंडीशन में सेट कर देता हूँ कि अगर सैलरी लेस देन इक्वल 10,000 होता है तो उसके लिए हमें प्रिंटफ में मैसेज आना चाहिए नो टैक्स,
यानी जिस भी पर्सन का सैलरी 10,000 से कम होगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल कोट्स में नो टैक्स। और अगर यहाँ पे एल शिफ्ट में कंडीशन में दे देता हूँ कि अगर जिसका सैलरी 10,000 और 20,000 के बीच में होता है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रेटर देन 10,000, क्योंकि इक्वल टू मैंने वहाँ पे इफ वाले कंडीशन में दे रखा है। उसके बाद लॉजिकल एंड का यूज़ करेंगे, तभी ये 10,000 से 20,000 के बीच का जो रेंज है उसे कंसिडर करेगा। अगर किसी का सैलरी इस रेंज के अंदर आता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा 10%। तो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टैक्स का जो भी सैलरी होगा उसका 10% हमें निकालने के लिए हम 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सैलरी को। 0.10 मतलब 1/10 से समझिए हमने डिवाइड किया सैलरी को। तो जो भी 10% होगा वो टैक्स वाले वेरिएबल में स्टोर होगा और उस वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ में मैसेज दे देता हूँ, सबसे पहले टैक्स स्पेस %d कॉमा, उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने टैक्स को कैलकुलेट करके स्टोर कराया उस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर दूंगा। मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग %f यूज़ करूँगा, क्योंकि जो हमारा टैक्स वाला वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसमें डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है, टैक्स कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब हम एक और एल्स ब्लॉक में जाएंगे, एल्स इफ के ब्लॉक में। यहाँ पे भी हमें कंडीशन सेट कर देते हैं कि अगर सैलरी 20,000 से लेके 30,000 के बीच होता है, यानी 20,000 से ज़्यादा और 30,000 तक अगर सैलरी होता है, तो 20% हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बस हम 0.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने सैलरी को। तो ये क्या करेगा, सैलरी का जो 20% है उसे टैक्स वाले वेरिएबल में स्टोर करा दिया और उस वेरिएबल को हम फिर से प्रिंटफ फंक्शन में क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे %f फ्लोट डेटा टाइप के लिए, उसके बाद टैक्स वाले वेरिएबल को प्रिंट करा दिए। और अगर हमारा ये जो कंडीशन हमने दिया, तीन कंडीशन हमने दिया, अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स होता है तब ये एल्स ब्लॉक में जाएगा और इस एल्स ब्लॉक में जो हमारा कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैं टैक्स 25% कैलकुलेट कर देता हूँ, यानी अगर हम सैलरी जो कंडीशन है उस रेंज से अलग इनपुट करते हैं, उस रेंज से बाहर इनपुट करते हैं, तो उसके लिए सैलरी का टैक्स लगेगा 25%। और जो भी टैक्स लगेगा उसे प्रिंट करा देता हूँ फिर से प्रिंट एफ फंक्शन में। आप चाहें तो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करके लास्ट में एक प्रिंट एफ फंक्शन करके भी कर सकते हैं, पर मैंने सारे के लिए अलग अलग प्रिंट एफ यूज़ किया ताकि उसी ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट कर जाए। यहाँ पे क्या करेगा, जो भी सैलरी होगा उसका 25% टैक्स वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, उसके बाद वो प्रिंट करेगा। तो चलिए इसे ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले यूज़र सैलरी इनपुट करेगा। सपोज मैंने सैलरी इनपुट कर दिया 5,000, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 5,000 लेस देन इक्वल टू 10,000, कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट कर देगा कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर हमारा सैलरी 15,000 होता तो ये हमें 10% टैक्स देने के लिए बोलता, क्योंकि ये एल्स इफ वाले कंडीशन को एग्जीक्यूट करता और जहाँ पे हमने 10% टैक्स कैलकुलेट कर रखा है। इसी तरह अगर 20,000 से 30,000 के बीच हम सैलरी इनपुट करते हैं तो उसमें हमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा और जो भी टैक्स का वैल्यू होगा उसे हमने प्रिंट एफ फंक्शन से फिर से प्रिंट करा दिया यहाँ पे। और अगर सैलरी हम 0 से लेके 30,000 के बीच नहीं इनपुट करते हैं, सपोज मैं 32,000 इनपुट कर देता हूँ, तो वो एल्स ब्लॉक में आएगा और यहाँ पे 25% का टैक्स देना पड़ेगा उस सैलरी के लिए जो भी सैलरी 30,000 से ज़्यादा होगा। तो चलिए कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो मैं गेट सीएच लिख देता हूँ ताकि हमारा स्क्रीन होल्ड हो जाए। ये कुनायो डॉट एच का प्रीडिफाइन फंक्शन है, इसे हम कैरेक्टर इनपुट के लिए भी यूज़ करते हैं कभी कभी। तो सर चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के एक सैलरी इनपुट करते हैं। तो मैं इनपुट कर देता हूँ 5,000, तो यहाँ पे हमें मैसेज आ गया नो टैक्स, क्योंकि 10,000 से जिसका सैलरी कम होगा उसको टैक्स नहीं देना है। अब मैं सैलरी इनपुट कर देता हूँ 25,000, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,000 का 20%, 25,000 का 10% होता है 2,500, और 10% 2,500 दोनों को अगर हम ऐड करें तो 20% हो जाता है 5,000। तो ये हमारा इस वाले एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूट करा जिसमें हमने 20,000 से लेके 30,000 के बीच में कैलकुलेट करा था, इसीलिए हमें 20% सैलरी ये प्रिंट करके हमें दे दिया।
अब हम एक और सैलरी इनपुट करते हैं जिसके लिए हमने कंडीशन नहीं दिया है। मैं इनपुट कर देता हूँ 31,000। तो आप देख सकते हैं 31,000 का जो 25% टैक्स है वो हमें कैलकुलेट करके दे दिया 7,750। इसीलिए हमने फ्रैक्शनल वैल्यू लिया था, क्योंकि यूज़र सैलरी कुछ भी इनपुट कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट में जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, इसलिए हमने इसे फ्लोट कंसिडर किया। तो आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आया हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप एलसीएफ का यूज़ करके स्टूडेंट का मार्क्स का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ट्राई करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है एलसीएफ का प्रोग्राम बनाना। थैंक यू फ्रेंड्स।